फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लवसल ब्लॉग यूट्यूब चैनल और आज मैं हूँ नामकुम में। तो रांची का जो यहाँ पर नामकुम बाजार है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, वीडियो पूरा जो है देखिएगा। और तो ये जो नामकुम बाजार है वो कैसा है, आइए एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। जो रास्ता आ रहा है ये रांची की ओर से आ रहा है और आगे आपको नामकुम का ओवर ब्रिज मिलता है और उस तरफ से भी आप आ सकते हैं। और ये रोड है टाटा रोड। नामकुम रांची रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा इसकी दूरी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर, झारखंड हाईकोर्ट डोरंडा से 6 किलोमीटर और झारखंड प्रोजेक्ट भवन धुरवा से इसकी दूरी 15 किलोमीटर है। दोस्तों, बाजार के अंदर जाने से पहले मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूँगा कि टाटा रांची रोड से नामकुम में अंदर की तरफ आने वाले इस रोड पर जो दुकानें हैं वे प्रतिदिन खुलती हैं, जिससे कि यहाँ हर दिन बाजार सा माहौल बना रहता है। हालांकि जिस दिन यहाँ पर नामकुम बाज़ार लगता है उस दिन इस जगह पर बाकी दिनों की तुलना में लोगों की भीड़ ज़्यादा नज़र आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रांची शहर से सटे हुए नामकुम बाज़ार में लोगों को सस्ते दामों पर ही सब्जियों के साथ साथ अन्य ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में जब भी ऐसे ही बाजार का कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके। मेरे पीछे अभी जो जगह है वो है नामकुम बाज़ार। पीछे आप जो देख रहे हैं वो रास्ता है नामकुम बाज़ार के सामने, अभी खड़े हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलेंगे नामकुम बाज़ार में और आपको दिखाएँगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाज़ार की तरह ही यह बाज़ार भी एक खुला बाज़ार है, यानी बाज़ार खुले आसमान के नीचे एक मैदान में लगता है, जहां पर दुकानदार बाज़ार के दिन अपनी दुकानें लगाते हैं और देर शाम को अपना दुकान और सारा सामान समेटकर वापस चले जाते हैं। इन हाट बाज़ारों की तरह ही यहाँ पर भी घरेलू ज़रूरत से जुड़ी चीज़ों के साथ साथ कपड़े, जूते, चप्पल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, खाने पीने के देसी पकवान, फल और ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती है। नामकुम में लगने वाला यह बाज़ार सप्ताह में 2 दिन लगता है, रविवार और बृहस्पतिवार को, यानी संडे और थर्सडे के दिन। हालांकि संडे को लॉकडाउन का नियम होने की वजह से पिछले कुछ समय से यह बाज़ार सप्ताह में सिर्फ 1 ही दिन लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही लोगों को पहले की तरह रविवार को भी इस बाज़ार में खरीदारी करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, इन हाट बाज़ारों में शहर के चकाचौंध और मॉल कल्चर से हटकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक झलक देखने को मिलता है, जहां पर बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाएं, हर उम्र के दुकानदार कुछ न कुछ बेचते हुए नज़र आते हैं।
नॉन वेजिटेरियन यानी मीट मांस खाने के शौकीन लोगों के लिए इस बाज़ार में इसको फ्राई कराने की भी व्यवस्था है, जहां पर लोग चिकन, मटन या पोर्क यानी बंडा को तुरंत फ्राई कराकर वाइन या राइस वियर के साथ एंजॉय करते हैं। इसके साथ इस बाज़ार में आपको छिलका रोटी भी मिल जाएगा, जो कि चावल से बना होता है और झारखंड का पारंपरिक व्यंजन है। नामकुम बाज़ार रांची और उसके आसपास के फेमस बंडा बाज़ारों में से एक है, जो कि पोर्क खाने के शौकीन लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। बाजार से होकर ये जो रास्ता जा रहा है आप देख रहे हैं, ये अंदर की ओर ये रिंग रोड तरफ चल जाता है और यहाँ से आपको आगे सदाबहार चौक मिलेगा, जहाँ से आप डोरंडा भी जा सकते हैं और आगे रिंग रोड में खतीदा चौक पर जाकर मिल जाता है। तो इस तरह से आप रांची के रिंग रोड से होकर या फिर डोरंडा और टाटा रांची रोड से होकर भी इस बाज़ार तक पहुँच सकते हैं। नामकुम बाज़ार का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और आने वाले नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी दूसरे बाज़ार के वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।